नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सतगावा प्रखंड के अंतर्गत कटैया पंचायत के ग्राम गजहड़ के बिरहोट टोला में वर्ष 2019-2020 बिरसा आवास योजना में बरती गई काफी अनियमितता। वही वहां जाकर बिरहोट टोला में जब देखा गया, लोगों से बात की गई, तो बिरहोरों के द्वारा बताया गया कि उनका आवास का निर्माण गजहड़ में रहने वाले अजीत मंडल के द्वारा कराया गया है, जिसमें आवास तो बना दिया गया लेकिन आवास के दीवार का प्लास्टर, खिड़की, दरवाज़ा, ज़मीन का फर्श अभी तक निर्माण नहीं कराया गया है। वहीं वहां के लोगों ने बताया कि इस ठंड में हम लोग कैसे रहते हैं, हम ही लोग जानते हैं। आवास में दरवाज़ा नहीं रहने के कारण हवा, कुत्ते, जानवर घर में घुस जाते हैं। हवा भी बहुत लगता है। बरसात में खिड़की नहीं रहने के कारण पानी भी घर में घुस जाता है। इससे बढ़िया हम लोग अपने झोपड़ी में ही रहते थे। वहां के बिरहोर से जब बात की गई तो बताया कि अजीत मंडल के द्वारा बताया गया कि लॉकडाउन लग गया है, इस कारण से आवास पूरा नहीं किया गया। वही तो वर्ष 2019-20 में बिरसा आवास में घोटाला तो हुआ ही है, लेकिन अब जो नए आवास बनाए जा रहे हैं उसके गले कच्चे ईंटे पटक दें तो कई टुकड़े हो जाते हैं। सीमेंट कौन सा होगा ये पता नहीं है। नए आवास का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी सतगावा प्रखंड विकास पदाधिकारी बैद्यनाथ उराव जी बताते हैं कि एक आवास को पूरा करने में आवास का 1,30,000 रुपये, मनरेगा से 42 दिनों का शौचालय और गैस कनेक्शन और बिजली की सुविधा लोगों को दी जाती है। लेकिन बिरहोट टोला में तो शौचालय, गैस और बिजली की बात तो छोड़ दें, आवास जो मिला है उसमें दरवाज़ा तक नहीं लगाया गया है। वही इस घोर अनियमितता पर प्रमुख प्रतिनिधि राम अवतार चौधरी और उप प्रमुख मनोज कुमार निराला ने सतगावा प्रखंड विकास पदाधिकारी और कोडरमा उपायुक्त से जांच की मांग की है और अनियमितता बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो विधौर का है, पिता का नाम चंद्र है। अच्छा, तो आवास आप लोग का बना है तो इसमें देख रहे हैं ना, तो इसमें गेट लगा है ना, है तो खिड़की लगा है, प्लास्टर भी नहीं हुआ है, इसलिए तो झोपड़ा में रहते हैं। इसलिए झोपड़ा में रहता है, मतलब गेट उठ नहीं लगा इसके चलते कि इसके चलते पानी आता है, झटास मारता है, पानी का भी ठंडा भी लगता है, झटास भी मारता है बरसात में। तो ये के बनवाया है? अजीत बिरहोट मंडल। अजीत मंडल कहाँ का रहने वाला है? गजहड़ का रहने वाला है। अच्छा, तो आप लोग बोले नहीं कि हमारा जो है से मतलब इसमें गेट उठ लगवाइए, खिड़की लगवाइए। वो तो बोले कि अभी पैसा उसे पास होगा तभी ना, मतलब अभी पैसा उसे नहीं पास हुआ है? नहीं। अच्छा, तो कब तक पैसा पास होने के लिए बताया, कुछ तो बताया होगा? कुछ अभी नहीं बताया, कहता कि पास होगा तो लगाएंगे खिड़की। आज आप लोग चैनल के माध्यम से हमको अवगत हुआ है कि गजहड़ में बहुत सारे नवनिर्मित आवास बनाया जा रहा है बिरसा मुंडा आवास के तहत, जिसके जो संवेदक हैं वो अजीत मंडल हैं, उनके द्वारा मतलब जो भी सामग्री लग रहा है, इतना भी आवास बनाया जा रहा है मेरे संज्ञान में नहीं है। कहाँ से है, इसका क्या एजेंसी है, क्या बनाता है, उस पर हम लोग का कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो भी इस बिरसा मुंडा आवास से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं उसको अपना संज्ञान में लेते हुए इसको कड़ी फटकार लगाते हुए एक नई दिशा निर्देश दें और जितना भी सामग्री है पूरे मानक के रूप में लगाने का काम करें। वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है, मानक के अनुरूप नहीं लगाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ का प्रशासन और डीसी साहब से मांग करते हैं कि जितना भी पहले भी जो आवास बना हुआ था बिरसा मुंडा आवास योजना के अंतर्गत, वो भी आधा अधूरा बना हुआ है, जिसके कारण आप लोग सब देख रहे हैं कि इसमें खिड़की भी नहीं है, दरवाज़ा भी नहीं है। इसलिए सरकार की जितने भी मूलभूत सुविधा है सभी योजनाओं से इन लोग वंचित है, और हम सरकार और यहाँ के प्रशासन, प्रखंड के प्रशासन जैसे वीडियो साहब हो गए, उनसे भी मेरा आग्रह होगा कि अपने से इनका भौतिक सत्यापन करते हुए जो भी इस आवास का निर्माण करता है एजेंसी है उनको कड़ी फटकार लगाते हुए अच्छा सामग्री लगाने का निर्देश दें।
इस पर तो अभी हम लोग कटैया पंचायत के अंतर्गत बिरहोर टोला आए हैं, तो 19-20 का जो बिरसा मुंडा आवास बनाया गया है वो अधूरे बना हुआ है। उसमें ना तो फर्श बना, ना प्लास्टर हुआ और ना ही तो गेट खिड़की लगा, जिसके कारण यहाँ मेरा अनुसूचित जनजाति के महिला जेंट्स लोगों से पूछने के बाद पता चला कि वो उसमें बहुत ठंडा लगता, खिड़की केवाड़ी नहीं है। कहना चाहूँगा जिला पदाधिकारी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, कि जो 19-20 वाला योजना जो बिरसा मुंडा आवास बनाया गया उसको पूर्ण करने का आदेश सब अधूरा है, मतलब आदेश दिया जाए। और अभी जो नए वाला बन रहा है इसको भी पहले के जैसा नहीं करें, पूर्ण रूप से काम करें। पानी का भी टंकी देख रहे हैं यहाँ जो बनाया गया, उसे कुछ दिन तक चला, लोगों से पता चला कि कुछ दिन चला उसके बाद बंद हो गया, आज तक ले कोई लाभ नहीं है। सरकार का फंड भी खर्च हो जाता है रुपया, जनता का कोई फायदा नहीं है। यहाँ का गझड़ बिरहोर टोला का जो अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग तो मीडिया के साथी के द्वारा यहाँ पे आए हैं, देख रहे हैं कि पूरा स्थिति बहुत ख़राब है और ये बहुत ठंड है, कनकनी के वजह से लोग झोपड़ी के नीचे गुजर कर रहा है। वी टाइम न्यूज़ के लिए सतगावा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।